नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं भावरे टुडे न्यूज 78 में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के 10वीं 12वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड के लैपटॉप वितरण कब होंगे और 9th की छात्राओं को स्कूल में जो साइकिल मिलती थी वो कब मिलेंगी, और जो स्कूटी है, जो BBL वगैरह गरीब विद्यार्थियों को स्कूटी कब मिलेंगी, तो इन सारी योजनाओं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि सरकार ने अभी तक इसको वितरण क्यों नहीं किया है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को कर देना प्रेस, क्योंकि मैं शिक्षा के रिलेटेड ऐसी सारी अपडेट आपके लिए सबसे पहले लेकर आता हूँ। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो पर। देख सकते हैं, इधर ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर, उधर लैपटॉप वितरण गोल। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो सरकार कह रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो, जब ऑनलाइन पढ़ाई करने का समय आया तो लैपटॉप वितरण गोल हो गए। मतलब कि जब ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें अगर हमारे पास, विद्यार्थियों के पास कोई भी टेक्नोलॉजी का साधन नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इतनी भी इंटरनेट है जो विलेज ग्रामीणों में, गांव में इंटरनेट बहुत स्लो चलता है, तो वहां पर विद्यार्थी कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। और उनके पास अभी तक लैपटॉप भी नहीं आया है, कोई भी मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। इसलिए सरकार अभी तक कोई भी इन योजनाओं पर ऐसा फैसला नहीं दिया, और स्कूटी और साइकिल वितरण योजना पर भी ताला लग गया। 9th की छात्राओं को जो स्कूटी मिलती थी, और जो APL BBL वगैरह जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उनको स्कूटी मिलती थी 2.5 लाख से कमाई वालों को, तो वो भी अभी तक नहीं मिल पाई है। स्कूलों से नहीं मांगी साइकिलों की डिमांड, अभी तक स्कूलों से नहीं तो फॉर्म भरे गए, साइकिलों के लिए डिमांड भी नहीं हुई है, तो क्या होगा। अब चलते आगे। कोरोना के संकट में दौर में प्रदेश में विद्यार्थियों की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है, साथ में उनको प्रदान लैपटॉप स्कूटी वितरण योजनाओं पर भी ताला लग गया है। साइकिल वितरण योजना, स्कूटी लैपटॉप वितरण योजना पर ताला लग गया है। पिछले 2 सत्र से करीब 92,000 बच्चों को लैपटॉप वितरण नहीं हुआ है, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई के मौजूदा तौर पर उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लैपटॉप की बहुत विद्यार्थियों को ज़रूरत है, तभी वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करेंगे फिर लैपटॉप वगैरह मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो। वर्ष 2019-2020 के वर्षों के बच्चों के लैपटॉप नहीं दिए गए। इस साल 2019 के 38,000 और 2020 के करीब 54,000 मेगावी छात्र शामिल थे। इन बच्चों को लैपटॉप देने के लिए वित्त विभाग ने फाइल भेजी थी, लेकिन फाइल पर वहीं अटकी पड़ी है, इस पर कोई भी अभी तक फैसला नहीं आ रहा है। नहीं मांगी साइकिल की डिमांड, अगर स्कूल से साइकिल की डिमांड गई होती तो कुछ करती सरकार, वरना कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। हर साल 9th कक्षा में छात्रों को अक्टूबर या नवंबर मंथ में साइकिल वितरण कर देता था, लेकिन इस बार दिसंबर के 13 दिन बीतने वाले, दिसंबर में बीत जाएगा, अभी तक छात्राओं को स्कूलों में साइकिल की डिमांड है वो अभी तक नहीं हो पाई है। इनको मिलेगा लैपटॉप 10वीं 12वीं और 8वीं बोर्ड विद्यार्थियों में लैपटॉप। 5वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले एक स्कूल से एक विद्यार्थी को 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक हासिल करने वाले हर स्टूडेंट को लैपटॉप दिए जाते थे, लेकिन लैपटॉप वितरण का आधार वीरता की तरह होता है। अभी लैपटॉप वितरण भी अक्टूबर नवंबर में मिल जाते थे, लेकिन दिसंबर भी आ गया, दिसंबर बीतने को आया, लेकिन लैपटॉप अभी तक विद्यार्थी को नहीं मिले। लैपटॉप नहीं मिलेंगे तो विद्यार्थी कैसे ऑनलाइन स्टडी कर सकेंगे। मेघावी छात्र स्कूटी योजना, सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछला वर्ग होता है उसमें अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होती है उनकी बेटियों के लिए ये योजना है। तो 10वीं 12वीं बोर्ड में जो टॉप आते हैं 196 और 196 के छात्रों को स्कूटी दी जाती है, तो वो भी अभी तक उसके फॉर्म भी नहीं भरे गए और उसकी योजना भी अभी तक पूर्णतया नहीं हो पाई, स्कूटी भी नहीं मिल पाई है। तो इन्हें मिल सकती है साइकिल, इन्हें मिलती है साइकिल, अब सबको मिलती है 9th की छात्राओं को साइकिल, लेकिन साइकिल का भी अभी तक कोई फैसला नहीं है। सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली ऐसी छात्राओं जो न्यूनतम 3 से 5 किलोमीटर तक दूर आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट वाउचर लेने के लिए वाले लड़कियों को साइकिल योजना का लाभ नहीं मिला। छात्र छात्राओं के सरकार ने शुरू की योजना का लाभ नहीं मिलने बच्चों के साथ अन्याय है। बच्चों के साथ ये अन्याय है, बच्चों को क्यों बता रहे हो कि आपको साइकिल मिलेंगी, लेकिन सरकार की बजट के कारण सरकार भी ऐसा नहीं कर कदम उठा रही है, इसलिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। और ये आर्टिकल आप पूरा पढ़ सकते हैं। 9th की
छात्राओं को साइकिल पर बहुत दूर से आती थी, दूर से आती है स्कूल में, तो उनके उनको साइकिल की ज़रूरत होती है, लेकिन साइकिल अभी तक नहीं मिल पाई है। तो अब कब मिलेंगी, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करवा दूंगा अपडेट। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।